आप जो इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम को या फेसबुक को टाइम देते हो, उसमें से अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के इस वेबसाइट को दे दो, जो मैं आपको वेबसाइट इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप 10 से 15 मिनट लगाओगे ना इस वेबसाइट में, तो आप महीने का 10 से 20,000 या 50,000 आराम से अर्न कर सकते हो। आपको लग रहा होगा कि भाई यार 10-15 मिनट में 50,000 महीने का कैसे मिलेगा। इस वेबसाइट का पूरा जो बिजनेस मॉडल है उसे मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा और आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपको ये जेन्युइन काम देती है और कैसे आप यहाँ पे जो है 10-15 मिनट ही देके महीने का 10-15,000 या 20,000 आराम से अर्न कर लोगे। तो बेसिकली इस यूजर टेस्टिंग वेबसाइट में ऑल ओवर 3,000 से भी ज्यादा ब्रांड लिंक है। ठीक, मान के चलो सैमसंग हो गया और भी काफी सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड है जो कि इस वेबसाइट से लिंक है। मान के चलो कि मैं एक ब्रांड हूँ और मैंने एक सोशल मीडिया वेबसाइट बनाई है और मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया वेबसाइट को चेक करूँ कि लोगों को ये कैसा लगता है। इस वेबसाइट को लॉन्च करने से पहले मैं रिव्यू लेना चाहता हूँ कि ये वेबसाइट का इंटरफेस कैसा है, यूजर फ्रेंडली है भी या नहीं है, मतलब इरिटेटिंग तो नहीं है या कोई ऐसी खराब चीज है जो कि मेरे को अभी ठीक कर लेनी चाहिए, तो वो सारी चीजें मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यूजर टेस्टिंग वेबसाइट के ऊपर आऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को कुछ ऐसे यूजर लाके दो जो कि मेरे को ये बता पाए कि ये जो वेबसाइट है इसका इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है भी या ये जो वेबसाइट है ये इतना अच्छा है भी या नहीं है, वो सारी चीजें मेरे को बताओ। यूजर टेस्टिंग वेबसाइट है ये क्या करेगा, अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी वर्कर हैं, उन सबको ये वर्क दे देगा। अब मान के चलते हैं कि मैं यूजर टेस्टिंग का एक वर्कर हूं या आप एक वर्कर हो, आपको क्या मिलेगा, वो काम मिलेगा कि आपको चेक करना है कि भाई बताओ यार ये कैसा यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है या कैसा है, मतलब ओवरऑल रिव्यू दो उस वेबसाइट के ऊपर कैसा है। या वेबसाइट ही नहीं, और भी काफी सारे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, मैं बस एक वेबसाइट का एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ, और भी काफी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जिसको आपको रिव्यू करना होता है और क्या नेगेटिव साइड है या क्या पॉजिटिव साइड है, क्या आपको लगता है उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, वो आपको रिव्यू करना होता है और उसके बदले आपको यहाँ पे $10 $15 $30 यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली आपको यहाँ पे काम करना होता है और 10-15 मिनट का ही टाइम देना होता है। अगर आप 10-15 मिनट भी इस वेबसाइट में डेली का दे दोगे तो आप $30 से लेके $20 के आसपास आराम से निकाल लोगे और महीने का आप कैलकुलेट कर लो उसके अकॉर्डिंग कितना आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये तो आपने ओवरऑल समझ लिया किस तरीके से आपको यहाँ पे काम मिलता है और कैसे आप काम करोगे। अब हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कैसे आपको इस वेबसाइट में अपना अकाउंट बनाना है या कैसे आप रजिस्टर करोगे। तो वो जानने के लिए पहले तो हमें स्क्रीन पे आना होगा। अब ये जो वेबसाइट है ना, वो आप अपने फोन में भी यूज कर सकते हो और अपने जो कंप्यूटर है उसमें भी यूज कर सकते हो। बेसिकली फोन में क्या होगा कि आपको जो है इतना अच्छा इंटरफेस नहीं देखने को मिलेगा वेबसाइट का, बट हाँ अगर आप डेस्कटॉप मोड सेट कर देते हो तो थोड़ा इजिली सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो वीडियो को बिना डिले किए वेबसाइट पे आ जाते हैं और जान लेते हैं कैसे आप इस वेबसाइट में रजिस्टर करोगे। हाय, कैसे हो? अभी मैं दूसरे कैमरा एंगल पे आ गया हूँ, अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैं इस वेबसाइट पे भी आ गया हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे आना है और यूजर टेस्टिंग सर्च करना है। बाकी मैं इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन ओपन करके लिंक पे टाइप कर लेना, आप सीधे जो है इस वाले इंटरफेस पे आ जाओगे। जब आप आओगे तो सबसे पहले इस वेबसाइट की और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि काफ़ी सारे बड़े बड़े कंपनी हैं जो कि लिंक है, पावरिंग ओवर 3,000 ऑफ द वर्ल्ड टॉप ब्रांड्स, जैसे कि आप देख सकते हो HP है, माइक्रोसॉफ्ट है, सेवे हो गया, कैनवा हो गया जो कि थंबनेल मेकिंग वेबसाइट है, इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको वॉलमार्ट मिल जाएगा, काफ़ी सारे बेसिकली वेबसाइट हैं। अगर एक एक करके बोलने लग गया तो वेबसाइट का नाम लेते लेते ही वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हो तो आपको देखने को मिल जाएगा ट्रस्टेड बाय लीडिंग ब्रांड्स। तो ये जितने भी आपको ब्रांड्स देखने को मिल रहे हैं, जितने भी कंपनी है, ये एक्चुअल जो रियल रेटिंग होते हैं वही मतलब दिखाते हैं, फेक रेटिंग यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आप रेटिंग देख सकते हो, 4.1 की रेटिंग है, 4.2 की रेटिंग है, मतलब ये यूजर टेस्टिंग वेबसाइट की रेटिंग बता रहा हूँ। ये सारे जो ब्रांड है, ये आपको जितने भी कंपनी देखने को मिली है रेटिंग वाली कंपनी है, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इस वेबसाइट को इतने अच्छी रेटिंग मिली है। तो ये जितनी भी बेसिक चीजें थी ये तो मैंने आपको बता दी। अब आपको क्या करना है, इस वेबसाइट में रजिस्टर करने के लिए स्टार्ट हेयर का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ऊपर में, तो आपको सिंपली जो है, और फोन में भी कुछ इसी तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। आपको अपने जब फोन में जब ये चीज अगर ओपन कर रहे हो तो डेस्कटॉप मोड पे जो है इस वेबसाइट को आपको कर देना है। अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट हेयर पे टाइप करता हूँ, जैसे मैं स्टार्ट हेयर पे टाइप करूंगा तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा इंटरफेस, व्हाट आर यू लुकिंग टू डू। अब देखो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, आई वांट टू एविलेट, आई थिंक एविलेट को मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप समझ लेना यूजर टेस्टिंग फॉर माय कंपनी, ये बेसिकली कंपनी के लिए है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, ऑनलाइन पैसे अर्न करना चाहते हैं तो मैं सिंपली जो आई वांट टू मेक मनी ऑनलाइन पे टैप करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गेट पेड टेस्ट पे अगर जब आप टैप करोगे या उस पे ओवरऑल टैप करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो भी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। तो मैं अपना जो भी ईमेल आईडी है वो मैं फिलअप कर लेता हूँ। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन टिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे टैप कर देना है, स्टार्टेड पे। जैसे आप गेट स्टार्टेड पे टैप करते हो, मस्ट बी वैलिड ईमेल आईडी एग्जांपल, आई थिंक मैंने गलत ईमेल आईडी डाल दिया है,
ओह बहुत गलत डाल दिया है मैंने, रुको। तो अभी मैंने अपना जो ईमेल आईडी वो ठीक कर लिया, जीमेल डालना भूल गया था। अब आपको क्या करना है, अपना जो भी ईमेल आईडी है वो डालने के बाद गेट स्टार्टेड पे टैप करना है। जैसे आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे टैप करते हो, अभी मेरे को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट, अनफॉर्चुनेटली वी करेंटली हैव ऑल द कंट्रीब्यूटर्स वी नीड एट दिस टाइम। सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमारी तरह इनके पास काफी ज्यादा ही एम्प्लॉय है और अभी इनको नीड नहीं है, बट मैं अभी कोई ऐसा ट्रिक निकालता हूँ जिससे इस वेबसाइट में मैं रजिस्टर कर पाऊँ। सो फाइनली हमने 2 सेकंड के अंदर इसका ट्रिक निकाल लिया। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको VPN कनेक्ट करना है किसी अदर कंट्री का। अगर आप इंडिया से जाके अप्लाई करोगे ना, तो बेसिकली क्या है कि इंडियन यूजर काफी ज्यादा है मतलब इनके वेबसाइट पे, तो आपको VPN चेंज करना है। मतलब VPN में यहाँ पे आप कनाडा डाल सकते हो, अमेरिका डाल सकते हो, ओवरऑल काफी ज्यादा यहाँ पे आपको कंट्री देखने में जाता है वर्ल्ड वाइड, ये मतलब अपना जो सर्विस है वो देती है। VPN यूज करना और अदर कंट्री का आप सर्वर यूज करना, तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। भाई देख रहे हो, इंडिया को ऐसे लाइक लोग देना नहीं चाहते हैं काम, खैर हम तो निकाल ही लेंगे कुछ ना कुछ तरीका। तो अभी ऊपर में आपको देखने को मिला होगा साइन अप टू टेक टेस्ट, तो बेसिकली यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा और फिर आपको टेस्ट मिलता है। तो अभी हम यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे टैप कर देंगे। तो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो जो भी आपके बारे में चीज है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो, लाइक आपका जो भी नाम है वो आप डाल दो। क्या कर रहा हूँ भाई, मैं नाम फिलअप करना है, लास्ट नेम मैं डाल देता हूँ रिज्म, यूजर नेम में थोड़ा जो यूजर नेम है वो आपको यूनिक चूज करना है, ये नहीं कि अपना जो भी नाम है वही डाल दो। यहाँ पे मैं अंश डालूंगा, फिर 325 कुछ भी डाल दो, मतलब यूजर नेम थोड़ा यूनिक होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड में एक ही टाइप का नंबर नहीं फिल करना है, लाइक अगर आप अपना नाम डालो तो नाम ही नहीं डालना, उसके साथ नंबर भी ऐड करना है। कुछ ऐसे यूनिक नंबर्स होते हैं जैसे @ वो भी चीज़ें ऐड करनी है जिससे जो आपका पासवर्ड है वो थोड़ा यूनिक बने और स्ट्रांग बने, तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना जो पासवर्ड है वो मैंने फिलअप कर लिया। इसके बाद आपका जो भी पोस्टल कोड है यानी कि जिप कोड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, तो मैं अपना जो भी जिप कोड है वो मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। जो आपका पोस्ट कोड है मतलब जो पोस्टल कोड है वो आपको अपने गूगल पे जाके सर्च कर लेना, अपने एरिया में कौन सा आपका पोस्टल कोड है वो आपको दिखा देगा। देन इसके बाद आपको सिंपली जो भी ये आपका डिटेल है वो फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पे टैप कर देना। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉट ले रहा है, हम वेट कर लेते हैं। देन इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने में जाएगा, आपको सिंपली जो है कंटिन्यू पे टैप कर देना है। जैसे मैं कंटिन्यू पे टैप करूंगा तो अगेन लॉट हो रहा है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं 4 टास्क जिसे आप इजिली कंप्लीट कर लोगे। कैसे आपको कंप्लीट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कंफर्म ईमेल, तो आपको सिंपली क्या करना है सेंड रीसेंड ईमेल पे टैप करना है। आपके ईमेल पे वेरिफिकेशन एक मेल आएगा जिसको आपको वेरीफाई कर लेना है कि ये आपका ईमेल है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेट अप यू पेपल पेमेंट, तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो भी पेपल अकाउंट है वो आपको सेटअप कर लेना है। आपको अगर नहीं है आपके पास पेपल अकाउंट तो यहाँ पे आप क्रिएट पेपल अकाउंट पे टैप करके अपना जो पेपल अकाउंट है वो आप बना सकते हो, और आपका जिस ईमेल आईडी से भी पेपल अकाउंट बनता है वही वाला आपका पेपल आईडी होता है, तो वो आप यहाँ पे जो है अपना कनेक्ट कर लेना पेपल अकाउंट। अगर आपको पेपल अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत आएगी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो में प्रॉपरली बता रखा है कैसे आपको पेपल अकाउंट क्रिएट करना है काफी इजी वे में, तो आप उस वीडियो को देख लेना, आप इजीली अपना जो पेपल अकाउंट है वो आप क्रिएट कर लोगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप यहाँ पे कनेक्ट पेपल अकाउंट पे टैप करते हो तो यहाँ पे ये लॉड लेता है और दूसरा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब बस आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना जो भी पेपल आईडी है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है और नेक्स्ट पे टैप करके जो भी आगे का स्टेप है वो भी आपको कंप्लीट कर लेना है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको क्रिएट प्रोफाइल पे टैप करना है। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको एडिट प्रोफाइल का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको उस पर टैप करना है। देन इसके बाद थोड़ा सा लोड लेता है, वेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका बर्थ ईयर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, जो आपका जेंडर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, जो आपका कंट्री है वो आप यहाँ पे फिलअप कर लेना। ये ऑलरेडी फिलअप है क्योंकि मैंने नेदरलैंड का जो मतलब VPN है वो मतलब सर्वर है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए ये फिलअप है। इसके बाद जो भी आपका पोस्टल कोड है वो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है आप अपना जो डिटेल है वो आप डाल देना। देन इसके बाद जो फाइनल स्टेट है वो है टेक प्रैक्टिस टेस्ट, तो जैसे आप टेक प्रैक्टिस टेस्ट पे टैप करते हो, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ प्रैक्टिस को एक साथ, तो टेक प्रैक्टिस टेस्ट पे जब आप टैप करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसे देख सकते हो रिकॉर्डिंग टिप्स है, वॉच दिस वीडियो फॉर द टिप्स एंड गाइडेंस ऑफ ऑन रिकॉर्डिंग योर फीडबैक। अब देखो इस वीडियो को जो है आपको प्रॉपर तरीके से सही से सुनना है, सही से आपको वॉच करना है, लाइक आपको इसी वीडियो से रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे और उसी क्वेश्चन के आंसर जो है आपको इस वीडियो में ही मिल जाते हैं, तो आपको इस वीडियो को सही से देखना है जिससे क्या होगा कि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसे आप सही से आंसर कर पाओगे, तो इस चीज़ को आपको मिस नहीं करना है। अगर आप टेस्ट मिस कर देते हो या टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आप यहाँ पे रीटेस्ट दे सकते हो, बट वही दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को वॉच करना है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा मस्ट है आपके लिए, अगर इस चीज़ को अगर सही से देख लेते हो इस वीडियो को तो आगे का जो टेस्ट है वो आप इजीली क्लियर कर लोगे, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप मिस मत करना। अब जैसे कि यहाँ पे आप 3 स्टेप देख सकते हो, फॉर ईच टास्क रीड द क्वेश्चन आउट लोड एंड स्पीक योर थॉट्स क्लियरली।
टेक योर टाइम, डोंट रश थ्रू द टास्क. आपको यहाँ पे मतलब जल्दी जल्दी सारी चीजें कंप्लीट नहीं करनी है, थोड़ा सा टाइम लेना है कामली. यहाँ पे आपको जो ये टास्क है वो आपको कंप्लीट करना है. एंड देर आर नो रॉन्ग आंसर, जस्ट गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन. यहाँ पे आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देना है जो भी आप उस चीज से रिलेटेड, जैसे कि देखो अगर आपको कोई वेबसाइट मिलती है ना, तो उस वेबसाइट पे आपका क्या ओपिनियन है जब वो रिव्यू करने के लिए मिलेगा, या कोई प्रोडक्ट मिलेगा तो उस प्रोडक्ट पे आपका क्या ओपिनियन है ना, ये भी काफी ज्यादा मैटर करता है. तो यहाँ पे अपना जो भी थॉट्स है वो आप डालना एकदम मैनुअली. जो मतलब एक जैसे कि मानिए चलते हैं, ये मेरे को प्रोडक्ट मिला है, जस्ट एक एग्जांपल, ये मेरे को प्रोडक्ट मिला है और मेरे को अगर इसको रिव्यू करना है या मेरे को सजेशन देना है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कि भाई इसका जो मतलब ग्लास है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और मेरे को ये देख के काफ़ी अच्छा लगा. बाकी मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका जो स्टिकर है वो और ज़्यादा बेटर हो सकता है. तो इस तरीके से जो है यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरे को जो लग रहा है. ये नहीं है कि आपका ओपिनियन मेरे से अलग हो सकता है. यहाँ पे आप सोच सकते हो कि इसका जो ये कांच है प्लास्टिक का होना चाहिए क्योंकि ये गिरने पे फूट जाता है. तो इस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को आप मतलब अपने ओपिनियन में बता सकते हो. कोई भी अगर आपको टेस्ट मिलता है तो जो भी आपका ओपिनियन है वो आप यहाँ पे डालना, इजीली आपका जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको काफ़ी अच्छे, देखो टेस्ट अच्छे से आप क्लियर कर लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छा अच्छा जो है मतलब काम भी मिलता है और उस काम के जो वैल्यू है वो भी आपको बहुत अच्छा मिलता है और आपको रेटिंग भी काफ़ी अच्छी मिलती है. इस वजह से आपको आगे भी काम मिलता है. ये जो वेबसाइट है ना, मैं इतना ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे जाके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे काफ़ी सारे लोग जो है अर्न कर रहे हैं. आप यूट्यूब पे जाके देख लेना इस वेबसाइट के बारे में, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोगों ने इसके बारे में बताया है बातें. इजीली 10-15 मिनट दे के लोग पैसे कमा ले रहे हैं. ये नहीं कि मैंने जस्ट बोल दिया 10-15 मिनट में आप पैसे कमा लोगे, नहीं भाई एक्चुअली यहाँ पे लोग कमा रहे हैं. तो बेसिकली यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है. अगर आप वो 10 मिनट दे रहे हो ना कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए, उसको आपको एकदम ही ध्यान से करना है, प्रोडक्टिवली उस 10 मिनट को यूज़ करना है और उस टास्क को कंप्लीट करना है जिससे आपको यहाँ पे पैसे मिलेंगे. पेशेंस काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, मैच्योरिटी उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए होनी चाहिए जिससे आपको एक अच्छा और बेटर यहाँ पे आपको इनकम हो पाए इस वेबसाइट से. तो जैसे ये जो चार टास्क है उसे आप कंप्लीट कर लेते हो, देन फिर आपको यहाँ पे जो है काम मिलने लग जाते हैं. शुरू में आपको थोड़े कम काम मिलते हैं, देन जैसे जैसे आप काफ़ी अच्छा काम करने लग जाते हो तो फिर आपको रैपिडली काफ़ी ज़्यादा काम मिलने लग जाते हैं. एक एक दिन में आपको दो दो काम मिल जाएंगे और शुरुआती टाइम में तो आपको 10-10 दिन में 15-15 दिन में एक एक काम मिलेगा. तो पेशेंस रखना है उस काम को सही से और मतलब एक अच्छे तरीके से करना है जिससे आपको नेक्स्ट टाइम अच्छा काम मिल पाए. आप यहाँ पे आपको सर्वे भी मिलते हैं इस वेबसाइट पे, तो आप सर्वे भी कंप्लीट कर सकते हो और सर्वे को भी आपको केयरफुली करना है जिससे नेक्स्ट टाइम आपको काफ़ी अच्छा काम मिल जाए और जल्दी काम मिलेगा जब आप सर्वे भी कंप्लीट करोगे. सो ओवरऑल इस वेबसाइट के बारे में बस इतना ही था. आप अपना पेपल अकाउंट लिंक कर लोगे तो जो भी आपको पैसे मिलेंगे सीधे आप अपने पेपल अकाउंट में ले सकते हो और बाकी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आती है. अगर कोई दिक्कत आती भी है तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन खुला हुआ है तो कमेंट कर देना. मैं आपके जितने भी क्वेश्चन के आंसर है वो सारे के मैं रिप्लाई 101% करूंगा ही करूंगा, चाहे कितने भी कमेंट आ जाए. तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं भी खत्म करते हैं एंड होप करता हूं कि आपको इस वीडियो से किसी न किसी तरीके से हेल्प हुई होगी. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.